अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BLDC सोलर वाटर पंप जो दो सोलर प्लेटों के ऊपर आपके सामने चल रहा है, इसकी डिटेल जो है ना वो आपको बताते हैं कि कितने वाट ले रहा है, कितने जो है ना अम्पेयर ले रहा है, कितने सोलर पैनल लगा के आप पानी का प्रेशर ज़्यादा कर सकते हैं, और इसकी आप कितने रकबे को सराब कर सकते हैं। थोड़े रकबे वाले ज़िमीदार के लिए ये बेहतरीन वाटर पंप है जो दो सोलर पैनल पे चलेगा। आपको थोड़ी ज़मीन अगर 2-4 एकड़ हो तो उसके लिए ये बेहतरीन है। आप सिर्फ दो सोलर पैनल लगा लें, अगर आप नॉर्मल प्रेशर लेना चाहते हैं या ज़्यादा लेना चाहते हैं तो 4 लगा लें। तो ये आपके सामने जी देखें 9.5 मैक्सिमम एम्पेयर ले रहा था, 9.2 भी ले रहा था, तो ये 84 वोल्ट पर हम चला रहे थे तो टोटल इसके वाट बनते हैं 798 वाट। हालांकि ये मोटर जो है ना वो 1500 वाट की है, अपनी आधी पावर पे ये चल रही है मोटर। अगर फुल पावर पे चलाएं तो पानी का प्रेशर कहीं बेहतर हो जाएगा। तो चूंकि सोलर पैनल ही दो अवेलेबल थे तो दो सोलर पैनल पे चला के ये पानी का प्रेशर आ रहा है। अगर आप 4 सोलर पैनल लगा लेते हैं, मोटर अपनी फुल पावर पर चले तो बेहतरीन पानी का प्रेशर जो है ना वो आपको मैसर हो सकता है। तो अगर आपने अपनी सब्ज़ी वगैरह या कोई और छोटी खेत में थोड़ी फसल के लिए बड़ा ट्यूबवेल नहीं लगा सकते, या फिर आप जो है ना वो थोड़ा सरमाया लगा के अपने लिए ट्यूबवेल लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन है ये। इसमें BLDC मोटर लगी हुई है जो कि कार्बन लेस है, जिसमें कार्बन आपको नहीं लगाने पड़ते। ये BLDC है, एनर्जी सेविंग मोटर है। इसका रोटर मैग्नेट का होता है, मैग्नेट वाइट मैग्नेट होता है, आम मैग्नेट नहीं, वाइट मैग्नेट की वजह से ये बहुत कम एम्पेयर लेती है, बहुत बिजली की बचत करती है। जैसे सादे बल्ब की बजाय एनर्जी सेविंग बल्ब जो होता है, एनर्जी सेवर जिसको कहते हैं, वो बिजली की बचत करता है, इसी तरह ये मोटर भी बिजली की बचत करती है। आप ये वाली मोटर लगा के ना सिर्फ बिजली की बचत कर सकते हैं बल्कि सोलर पैनल जो है ना उनकी भी बचत कर सकते हैं, और रात को बैटरी पे भी चला सकते हैं आसानी के साथ। इसकी मज़ीद डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको डिटेल इसकी वीडियो नेक्स्ट